हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज गौतम। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सर क्या इंग्लिश बोली है आपने, ठीक है उसको छोड़ो, लेट इट बी। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसको देखते हैं। सर ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है देखने में, ऐसा कुछ नहीं है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है पूरी मैथ में, इतना ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर आप तो हर क्वेश्चन में बोलते हो कि इससे इजी मेथड नहीं है, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैथ को आप अगर इजी समझोगे बेटा तभी तो समझ में आएगी। अगर किसी चीज़ को आप हार्ड समझ लोगे, मन में आप खुद उसको हार्ड बना लोगे, देन आपको कहाँ से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो चलो उसको समझते हैं। अब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, वो देखना। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैंने अलग से एक कॉन्सेप्ट समझाया है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, उसे समझना, बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लूँगा मैं और इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लूँगा। सेम जो काम हमने फर्स्ट पार्ट में करा था वो काम करेंगे हम। इसमें से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो एस इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3 + t, क्योंकि भाई इधर माइनस का t है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब सर इसको क्या करना है, इसको अब उठाकर सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। फेंकना नहीं, उठाकर पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। मैं आपको बोल चुका हूँ बार बार, ये वाली बात आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बोली थी कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे, क्योंकि अगर आप सेम इक्वेशन में पुट कर दोगे तो देन आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, एस अपॉन 3 + t / 2 इज इक्वल टू 6। करो एस की जगह पर 3 + t रखना, आपको कुछ नहीं करना, एस की जगह पर 3 + t रखना है और कुछ नहीं करना, तो ठीक है रख दो सर। 3 + t / 3 + t / 2 इज इक्वल टू 6, और कुछ करा मैंने, कुछ नहीं कराना मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, अब एलसीएम ही लिया जाएगा यहाँ पर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पूरे में, तो 2 ब्रैकेट में 3 + t लिख दूंगा मैं। अब बहुत से बच्चे मालूम है क्या करेंगे यहाँ पर, बताऊँ मैं बताऊँ, बच्चे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 2 3 6 और + t लिख देंगे, क्या 2 का मल्टीप्लाई टी में नहीं होगा, सिर्फ 3 में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए आप ब्रैकेट में रखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखो 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई टी में, तो 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सब बिल्कुल सही चल रहा है इस टाइम पर। तो अब देखो आगे थोड़ा सा नीचे आते हैं इसमें, अब देखो 6 मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लूँगा मैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और 1 का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 में, तो 2 3 6 प्लस 2 का मल्टीप्लाई टी में, तो 2t, कुछ नहीं 2t, ये 2t वाला 2t, ठीक है। अब देखो +3t इज इक्वल टू 6 × 6 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 6 है इसको उठा के मैं इधर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2t + 3t कितने हो जाएंगे, 5t इज इक्वल टू 36 - 6 हो जाएगा, दैट्स मीन 5t इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, यहाँ से हमारा 5t इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, क्योंकि 5 6 30, 5 6 30, सर टेबल याद करा रहे हो, नहीं टेबल याद नहीं करा रहा बेटा मैं। देखो अब क्या करना है, टी की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। तो किस में पुट करें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि वो इजी है, दैट्स वाई, ठीक है। तो करो चलो, टी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 6 आई थी ना, आप अपनी कॉपी में देखिएगा, इसे मैं थोड़ा कलरफुल कर दूँ। देखो पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक,
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर अपने आप से सवाल पूछते हो, अपने आप को जवाब दे देते हो, सारे काम अपने आप कर लेते हो। देखो वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू को आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो एस माइनस टी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 3, तो एस इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा, तो 6 प्लस का हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, तो एस की वैल्यू यहाँ से हमारी 9 आ जाएगी। दैट्स मीन हमारी एस की वैल्यू 9 आ गई और टी की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आई है वैल्यू। तो कैसे चेक करोगे, किसी एक में पुट कर लो। देखो एस की जगह पर 9 रखोगे और टी की जगह पर 6 रखोगे, तो 9 माइनस 6 करना पड़ेगा, तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 3 आ गया हमारा सिंपल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया होगा, समझ में तो आया होगा सर, क्यों नहीं समझ में आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट का बताओ करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।